अच्छा तुम्हारा भी वो है, इसके लिए तुम वो हो, तुम्हारे लिए ये वो है। मतलब पास होना तुम्हारी शादी की शर्त है? अच्छा भाई तुम्हें बता दो क्या खास बात है आज की तारीख में? जिस दिन मस्का ज्यादा लगता है उस दिन कोई नई फरमाइश जरूर होती है। तुम्हारा अपना घर है, आ जाओ। केश के शेर को मोहब्बत की इस बकरी से प्यार हो गया। हाँ, ये माफ कीजिएगा आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या कि मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, आइंदा देख कर चला करो। जो इंसान आंखों और कानों का सही इस्तेमाल नहीं करते वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही आंटी जी, गलती मेरी है। मेरी एक मदद करेंगे आप? कैसी मदद? एक साड़ी पसंद करेंगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए? क्यों तुम साड़ी पहनोगे? अरे नहीं नहीं, मैं क्या आपको साड़ी पहनने वाला लगता हूँ? दरअसल मैं साड़ी उसके लिए ले रहा हूँ। तो आपने उसको भी साथ लाना चाहिए, वो खुद अपनी पसंद की साड़ी चुन लेती। दरअसल क्या है कि मेरी जो वो है ना, वो है, वो अभी तक वो नहीं बने। वो नहीं हुई? अच्छा अच्छा समझी, अभी तक प्रेमिका है पत्नी नहीं बनी। अरे वाह आंटी वाह, क्या बात है, यानी कि आपका दिमाग तो बहुत शार्प है। आप तो इशारों की जबान भी समझती हैं। जरा चुनिए ना, क्या है कि वो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा वो दिखने में कैसी है? दिखने में तो आंटी वो तो आ गई, यही तो है वो, यही है। मीट माय आंटी, है ना, वैसी है ना आंटी आंटी। अच्छा तो यही है वो लड़की, इसके लिए ऑरेंज कलर की साड़ी चुन लो, इसे बहुत पसंद आएगी। अरे हाँ यही तो इसका मनपसंद रंग है, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्या है आंटी है। इसकी सारी पसंद मैं बता सकती हूँ, इसे आलू की टिकिया बहुत अच्छी लगती है। 100% कमाल है। इसके अलावा इसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। देखिए अब तो मुझे चक्कर आने लगा है, इसके बारे में आपको इतना कैसे मालूम है? इसके बारे में नहीं, ललिता के बारे में। आपको इसका नाम भी मालूम है? हद हो गई, कैसे मालूम है? इसलिए कि मैं ललिता की माँ हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है, मैं तो यूं ही खा मखा। क्या कहा? माँ? हाँ माँ। अरे मैं तो फिर कभी से बदतमीजी से पेश आ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। ललिता कौन है ये? माँ माँ ये वो है। अच्छा तुम्हारा भी वो है, इसके लिए तुम वो हो, तुम्हारे लिए ये वो है। इसके पिताजी कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा नहीं, इसके मामा जी हैं, एडवोकेट धर्मदास जी। जी 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 जी, बड़े शर्म की बात है रवि, तुम वहां से डर के भाग गए? अब भागता नहीं तो क्या करता, मैं डर गया था ना। इसका कहना भी सही है, भागता नहीं तो क्या करता, बेचारा डर गया था। आप ही कैसी बातें करते हैं भाई साहब, सच्चा प्यार करने वाले इस तरह मैदान छोड़कर भागा नहीं करते। आप भी सही कह रहे हैं, ये घर कानूनी बात है, सच्चा प्यार करने वाले मैदान छोड़कर भागा नहीं करते। अच्छा भाई साहब अब आप बताइए, लड़की आपको पसंद है? अरे जब मियाँ बीबी राजी देन डोंट आस्क काजी, फौरन कर दो शादी। लेकिन इन दोनों का फाइनल ईयर चल रहा है। ओ फाइनल ईयर चल रहा है, तो फिर तो पहले पढ़ाई बाद में शादी। लेकिन मामा जी पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना। वैसे कहना इसका भी सही है, पढ़ाई शादी के बाद भी की जा सकती है, राइट। और मामा जी मुझे एक बहुत ऊंचे पंडित ने कहा था कि इम्तिहान से 10 दिन पहले का मुहूर्त मेरे लिए बड़ा शुभ है। क्या बात कर रहे हो रवि, उन्होंने तो इम्तिहान से 15 दिन पहले का मुहूर्त बताया था। 15 था कि 20 था? 15। अरे वाह, हम दोनों उल्लुओं की तरह बैठे, और तुम दोनों अंडे की जर्दी, अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुए और अपनी शादी का मुहूर्त भी निकाल रहे हो। कोई शादी वादी नहीं होगी, पहले इम्तिहान पास करो फर्स्ट क्लास में, तब शादी की बात करो, वरना कैंसिल है कि नहीं? आप ठीक कह रही हैं मामा जी। सदा सौभाग्यवती रहो, मगर शादी जो है वो एग्जाम के बाद होगी, अभी ये टांग छोड़ो, बहुत कसके दबा दिया। मामा जी इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास होने की शर्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ। हाँ मामा जी मेरी इंग्लिश तो बहुत सॉलिड है, लेकिन मैं हिंदी में बहुत कमजोर हूँ। अरे रे, तो देखो अगर एग्जाम का रिजल्ट कमजोर हुआ ना तो शादी का रिजल्ट भी कमजोर हो जाएगा। अगर तुम अंग्रेजी में और अगर तुम हिंदी में पास नहीं हुए तो ये शादी डे स्मिथ, ये एडवोकेट धर्मदास की अदालत का फैसला है। गुड इवनिंग सर। ओ गुड इवनिंग ललिता, कैसी हो? जी आपकी कृपा है अच्छी हूँ सर। वो हाँ क्या बात है सर? वो
अरे क्या बोबो किया जा रही हो, साफ कहो ना। मुझे शर्म आती है सर, मेरी वो पक्की हो गई है। वो शादी? यस सर। ओ आई सी, अभी मैं कहूँ इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो। चलो लाओ कार्ड। अभी कहाँ कार्ड बाद सर, अभी तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? इंग्लिश, अगर मैं फेल हो गई तो फिर शादी डिसमिस। मतलब पास होना तुम्हारी शादी की शर्त है? डोंट वरी, आई विल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। बाय। अरे भाई दरवाजा खुला है। ओफो, जब दरवाजा खुला है तो क्यों खामखा बेल बजा रहे हो? अरे सर आप, सर वो, सॉरी सर, आई ना। गुड मॉर्निंग सर, आई मीन गुड इवनिंग सर। दरवाजा खुला देखकर अगर मैं अंदर आ जाता तो एक प्रोफेसर में और एक लोफर में क्या फर्क रह जाता? सॉरी सर, आप बैठिए ना। ये मेरे स्वर्गीय पिताजी प्रेम कपूर की तस्वीर है सर, आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ अपनी किताबें और एक ग्लास पानी लिया। अच्छा मम्मी, सर आए हैं, सर एक ग्लास पानी लाना। तो नमस्ते सर, पानी। आपने भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हें इस रूप में देखूंगा। सॉरी। लक्ष्मी, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बस एक ही तमन्ना रहेगी कि हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा देखूं। आपको कुछ पता है आज क्या तारीख है? हाँ, गुरुवार 5 अगस्त। और ये तारीख हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? अहमियत अर्थात महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस। हाँ। देखो मैं बहुत भलक्कड़ किस्म का आदमी हूँ, दिन और तारीख तो याद है, उसका शुक्र मानो, वरना मैं तो कभी कभी अपना नाम भी भूल जाता हूँ। अच्छा भाई तुम्हें बता दो क्या खास बात है आज की तारीख में? हमारी शादी की सालगिरह है। वाओ, रियली? तो आज कॉलेज जाना कैंसिल, हम ये सालगिरह ताजमहल होटल में मनाएंगे? नहीं, हम अपनी सालगिरह घर पर ही मनाएंगे। लक्ष्मी। हेलो। हाँ कुमार साहब जी। अच्छी हूँ। नहीं कुमार साहब, आज तो मुश्किल है, आज नहीं आ सकती। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी आई। सुनिए, आज एक चैरिटी प्रोग्राम है कुमार सबके साथ गाने का, मैं तो भूल ही गई,
है, जाने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाओगी, अपना वादा तोड़ोगी? वादा दिल से नाजुक चीज होती है। किसी से किया हुआ वादा और किसी को दिया हुआ दिल कभी नहीं तोड़ना। आप कितने अच्छे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा सुनो सुनो, आते वक्त अपने सिंगर पार्टनर कुमार को भी साथ ले आना पार्टी में। हाँ हाँ जरूर लाऊंगी, आएंगे किसी नहीं, उनको आना ही पड़ेगा। मुबारक हो प्रोफेसर साहब, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो। आओ भाई आओ। थैंक यू। अरे भाई ये कैसी शादी की सालगिरह है, दूल्हा मौजूद है और दुल्हन गायब। हाँ मगर लक्ष्मी तो कलाकार है और कलाकार पत्नी अपने पति से ज्यादा कला से प्यार करती है। भाई विजय मुझे माफ करना, जरा देर हो, शादी की सालगिरह मुबारक। मगर लक्ष्मी जी कहाँ है? मेरा बात क्या है कि अचानक उनका प्रोग्राम निकला है। अरे तुम्हारी सालगिरह के लिए हम इतनी दूर से धक्के मुक्के खाते हुए पूना से चले आ रहे हैं और जिनकी सालगिरह है वो खुद प्रोग्राम पे चली गई, ये गलत बात। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, आप क्या पियेंगे? तुम्हारे हाथ से नहीं, लक्ष्मी जी के हाथ से पियेंगे, आने दो उन्हें। कितनी देर हो गई, प्रोफेसर साहब नाराज हो गए, अब आकर टेलीफोन भी काम। Come in, come in. आप लोगों को आने में थोड़ी सी देर हो गई, तमाम मेहमान चले गए, कोई बात नहीं आइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल बात यह है, जहाँ हम शो कर रहे थे वहां अचानक रोशनी चली गई, कई घंटों के बाद रोशनी आई। अब चैरिटी शो अधूरा छोड़कर आना ऑडियंस के साथ नाइंसाफी होती ना। जाहिर बात है, जिंदगी में इंसान एक वक्त में एक ही जगह इंसाफ कर सकता है, अपने से करे या दूसरों से करे। हाँ और मुझे तुम पर नाज है लक्ष्मी, सालगिरह हम दोनों की थी और अपनी खुशी तुम घरों में बांटकर आ गई, क्यों कुमार साहब? विजय साहब आज यहाँ इतना बड़ा दिन था और आपकी पत्नियां हाजिर नहीं थी, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। आप बाकी बहुत महान आदमी है, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करना। थैंक यू मिस्टर कुमार, मेरा ख्याल है बातें कुछ ज्यादा हो गई हैं। देखिए ना केक कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मेहमान तो चले गए, कहीं केक से मिठास ना चली जाए। आइए ना, इस खुशी के मौके पर मैं चाहूंगा कि ये केक आप दोनों काटें। ये क्या कह रहे हैं आप, केक हम दोनों काटें? देखो ना कुमार साहब, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड का ये ट्रायंगल है और सच्चे दोस्त वही कहलाते हैं जहाँ खुशी एक की होती है और मनाता दूसरा है। लेकिन सर ये काम तो पति पत्नी को करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम दोनों काट लेते हैं। आइए, उस संगीत के नाम जिससे मैं प्यार करता हूँ, उस संगीत के नाम जिससे लक्ष्मी प्यार करती है, उस संगीत के नाम जिससे कुमार साहब प्यार करते हैं, यानी कि एक ही प्यार का करंट हम तीनों के दिलों में दौड़ रहा है, उसी प्यार के नाम हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। अरे आपने अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया, कॉलेज के लिए लेट नहीं हो जाएंगे? अजी ये अखबार को देखकर आदमी कॉलेज के लिए क्या, हमेशा हमेशा के लिए लेट हो जाएगा। ये पूरा पेज तुम्हारी और कुमार की फोटो से भरा हुआ है, तारीफें तारीफें लिखी हैं। ये तो पिछले प्रोग्राम की आज रिपोर्ट छापी है पेपर वालों ने। मेरी बड़ी तमन्ना है कि तुम दोनों का प्रोग्राम कभी अपनी आंखों से देखो। अच्छा आप पहले खाइए बाद में देखिएगा। अरे आज ही तुम कितना मस्का लगा रही हो, देखो वैसे ही अपना मोटापा पकड़ में नहीं आ रहा है और समझा, जिस दिन मस्का ज्यादा लगता है उस दिन कोई नई फरमाइश जरूर होती है। आप तो लगता है दिल की किताब पढ़ लेते हैं। चेहरा दिल की किताब होता है मेम साहब, और इस किताब को हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो बताइए आज इस किताब में क्या लिखा है? अभी लिखाई जरा धुंधली सी है, जरा साफ होकर सामने आ जाए तो खुद भी पढ़ लूंगा और तुम्हें भी सुनाऊ। आज तुम ही बताओ। बात यह है कि आज शाम मेरा और कुमार साहब का एक प्रोग्राम है, आपको भी आना पड़ेगा। हम यहाँ से 7:30 बजे निकलेंगे, ठीक 8 बजे प्रोग्राम,
दीनानाथ मंगेशकर हॉल में है। आप ठीक वक्त पर आ जाइएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं और कुमार जी सही वक्त पर प्रोग्राम शुरू करने के लिए मशहूर है। मैं आपकी शौहरत को सलाम करता हूँ, लेकिन एक मुश्किल है, आज मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, एग्जाम सर पे हैं। आज कोई क्लास वास मत लीजिए, एक दिन क्या मेरे लिए क्लास नहीं छोड़ सकते? कैसे छोड़ दूँ, आज कहती हो क्लास छोड़ दो, कल कहोगी घर छोड़ दो। ओफो, कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं आप। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो चोर की तरह मजाक को सच समझ कर डर जाती हो। आ जाओ, चलो कोशिश करूंगा। नो कोशिश, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। वादा? हाँ वादा, ठीक 7:30 बजे आ जाओ। अच्छा मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। हेलो। हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? कॉलेज से। कॉलेज से? 7:30 बज चुके हैं। तुम्हारा प्रोग्राम 8 बजे शुरू होता है ना? हाँ? मैं तुम्हें ठीक वक्त पर पहुँचा दूँ। ओके। सॉरी लक्ष्मी, यहाँ प्रिंसिपल साहब मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, मैं नहीं आ सकूंगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 8 बजे में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, मैं अपने प्रोग्राम पर कभी लेट नहीं पहुँची। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँची तो मेरी इज्जत, मेरी रिपुटेशन सब खाक में मिल जाएगी। हेलो हेलो। शुक्रिया देवी और सज्जनों, आज की संगीत के स्वरों से सजी हुई खूबसूरत शाम आपके नाम, संगीत के चाहने वालों के नाम, और संगीत के चाहने वालों को हमारा सलाम। दिल थाम के बैठिए, अब मैं आपके सामने आपका वो मनपसंद गीत सुनाने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुमार, लेकिन लक्ष्मी देवी अभी तक नहीं आई, और इस चैरिटी शो के इतने महंगे टिकट हम लोगों ने आप दोनों के ड्यूट सुनने के लिए खरीदे हैं। निराश मत होइए साहब, मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगी। लक्ष्मी जी वक्त पर आने के लिए मशहूर है, वो आएंगी और जरूर आएंगी। अगर वो नहीं आई तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो आज मैं ये संगीत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मगर मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगी, क्योंकि यही संगीत हम दोनों के दिलों में सांस होता है। अगर मैं साज हूँ तो वो सरगम है, अगर मैं राग हूँ तो वो रागिनी है। चलिए आज मेरे ये विश्वास का और उनके संगीत प्रेम का इम्तिहान हो जाए। मैं गाना शुरू करता हूँ और देखते हैं कि वो पहले अंतरे से पहले आती है या नहीं। मानना पड़ेगा भाई, गाने वाली की ऐसी जोड़ी आज तक पैदा नहीं हुई। और सुना है गाने वालों की ये जोड़ी बहुत जल्द जिंदगी भर की जोड़ी बनने वाली है। लेकिन लक्ष्मी तो पहले से शादीशुदा है। काहे की शादीशुदा, हमारे ये कलाकार लोग धर्म और समाज से बहुत दूर रहते हैं। के पति के दिल पर क्या गुजरती होगी? दिल पकड़े बैठा रहता होगा बेचारा। एक करके मुबारक हो कुमार साहब। अरे आपने प्रोग्राम देखा? नहीं, कॉलेज में देर हो गई, लेकिन निकलते हुए लोगों के मुंह से जो सुन रहा हूँ वो बातों ने मुझे पागल बना दिया। ये मिस्टर कुमार आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। ज्यादा कहा प्रोफेसर साहब, मैं तो सिर्फ 2-4 पैकेट पीता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपके दिल में झांक कर देखा जाए तो सब कुछ काला ही काला नजर आएगा। आपको ये बुरी आदत फौरन बंद कर देनी चाहिए। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ इतनी सिगरेट मत पिया करो, लेकिन ये सुनते ही नहीं। देखिए सिर्फ वो इंसान मेरा सिगरेट पीना रोक सकता है जिसे मेरी जिंदगी पर पूरा हक हो। और ठीक है, मुझे तुम पर हक है, ये सिगरेट नहीं पियोगे। अरे क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना तुम सिगरेट नहीं पियोगे। नेवर, ये हक तुम्हारा नहीं है, ये हक सिर्फ मेरी पत्नी का होगा। आपकी पत्नी जब आएंगी उनका हक आप पर होगा, फिलहाल तो ये मेरी पत्नी है, क्या मेरा हक इन पर है कि नहीं? और क्या बात कर रहे हो? क्या मैं इन्हें घर ले जाने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? जरूर। शुक्रिया, आइए। Good night.
इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज एक पीरियड पहले क्लास छोड़ दी थी, बहुत थक गया था। एक कप चाय मिलेगी? आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं अभी आई। लक्ष्मी, मेरी खैर हाजी में कोई मिलने आया था? नहीं तो, आपसे मिले तो कोई नहीं आया। मुझसे ना सही, तुमसे कोई मिलने आया था? नहीं बाबा, कोई नहीं आया। ठीक से याद करो। अरे मैं कुछ साल की बुढ़िया हो गई हूँ क्या, इतनी मामूल सी बात भूल जाऊंगी? मैं जो बात पूछता हूँ उसका सीधे मुंह जवाब दिया करो। अच्छा बाबा, मैं कान पकड़ती हूँ, मैं सटिया गई हूँ, मेरी याददाश्त खराब हो गई है बस, इसलिए आज से मैं एक नोटबुक रखूंगी, जो कोई भी आएगा उसका नाम इसमें लिख दिया करूंगी। ये लीजिए। ये चाय कड़वा पानी, आज का शक्कर डालना भूल जाती हो? प्रोफेसर साहब, चाय तो वही है जो आप रोजाना पीते हैं, शक्कर भी उतनी ही डाली है जितनी आप पसंद करते हैं। याद है आप रोज कहा करते थे, लक्ष्मी मिठास शक्कर में नहीं तुम्हारी उंगलियों में है, तुम जिस चीज को छू लेती हो उसका स्वाद ही बदल जाता है। Will you shut up? मैं दिन भर कॉलेज में लेक्चर इसलिए नहीं देता कि यहाँ आकर तुमसे लेक्चर सुनूं। देखिए, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए, मगर गुस्से और नफरत की मार मत मारिए, मैं आपकी नफरत सह न सकूंगी। मैं रात को देर से आऊंगा, आने पर मेरा इंतजार मत करना। हेलो, हेलो, हाँ कुमार, आज नहीं, आज रिहर्सल नहीं होगी क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ प्रोफेसर साहब अभी अभी बाहर गए हैं, तुम्हारा अपना घर है, आ जाओ। ओके बाय। तुम्हारे उस चेहरे को देखने के लिए जिस पर तुमने इस खूबसूरत शरीफ चेहरे का नकाब ओढ़ रखा है। मैंने कोई नकाब नहीं ओढ़ा, नकाब आपने अपनी आंखों पर ओढ़ लिया, शक का जबरदस्ती मेरे खिलाफ मन में शक पैदा कर लिया। झटक दीजिए उस बेबुनियाद शक को, वरना वरना क्या करोगी? हाँ क्या करोगी, मुझे छोड़कर किसी और का दामन थाम लोगी? आप कहाँ थे क्या थे? ऐसा लगता है चेहरे तो वही है, अचानक आत्मा बदल गए। हाँ इसलिए कि तुम्हारी आत्मा की असलियत का पता अब चला। क्या पता चला, कुछ बताए तो सही। जाओ मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप कभी मुंह खोल ही नहीं सके क्योंकि मैं एक पतिव्रता हूँ,
जिसके दामन को किसी गैर मर्द ने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। छोड़ा तो दूर की बात है। तुम और पतिव्रता, तुम औरत के नाम पर एक कलंक हो। आंसू से अपने गुनाहों को धोने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारा हर रूप देख लिया है। क्या रूप देखा है, क्या किया है मैंने? साफ साफ खुले शब्दों में बताइए, आज मैं पड़ते ही रहूंगी। ये हुक्म उस पर चलाना जिसके साथ संगीत के नाम पर अय्याशी करती हो। क्या कहा आपने? हाँ हाँ, तुम जैसी औरत जो अपनी शादी की सालगिरह पर बहाने बनाकर देर से आती है, तुम जैसी औरत जो अपने यार के साथ हजारों गैर लोगों के सामने सुर से सुर मिलाकर गाने गाती है, तुम जैसी औरत जो अपने पति की खैर मौजूदगी में उसे घर बुलाकर उसके साथ जी, एक शब्द मत बोली। क्यों ना बोलूं? अरे तुमसे तो बाजारी औरतें अच्छी हैं, जो खुले आम अपना जिस्म बेचती हैं। तुम्हारी तरह पतिव्रता होने का ढोंग नहीं रह जाती। भगवान के लिए मुझ पर ऐसे का बैलगम मत लगाइए। खामोश, दूर हो जाओ मेरी नजर से। प्रोफेसर साहब, एक पतिव्रता औरत उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन बेगुनाह होते हुए भी पति की नजर में गिर जाती। जैसे मैं जानती हूँ कि अगर मैं अगली परीक्षा दूँ तब भी मेरे राम मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपके सुख और शांति के लिए आपकी दुनिया और संगीत की दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ आपको प्रेम करने वाली लक्ष्मी। सलाम साहब। बोलिए। नेम साहब है? नहीं, बोलिए ना, काम क्या है? जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैंने आपके हॉल और बेडरूम के एसी का कंप्रेसर बदली किया है। ये बिल लाया हूँ। माफ कीजिएगा साहब, मेरे को बस यही एक बुरी आदत, इधर भी जलता हुआ सिगरेट मसल देता हूँ। ठीक है, ये लो। थैंक यू सर। May I come in, sir? Come in. क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं प्रोफेसर साहब? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बैठिए। जरा लक्ष्मी जी को बुला लीजिए सर, मैं आप दोनों को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया हूं। शादी? आप शादी कर रहे हैं? यस सर। वैसे मैं लक्ष्मी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अच्छे घराने की लड़की मिलने चली। तो कल आपने इसी सिलसिले में फोन किया था? नहीं सर, वो तो लक्ष्मी जी के साथ एक नए गाने की रिहर्सल करना चाह रहा था और साथ में अपनी शादी का कार्ड देना चाहता था, लेकिन कमबख्त वो प्रिंटर ने कार्ड टाइम पर दिया ही नहीं, ला नहीं पाया। वैसे लक्ष्मी जी दिखाई नहीं दे रही सर। वो चली गई। चली गई? मेरा मतलब है बाहर गई। हाँ, तभी मैं सोचूं ये घर इतना सूना सूना क्यों लग रहा है। सर, इस पूरी दुनिया में जहां तक सूरज की किरणें जाती हैं वहां तक आपकी पत्नी जैसी देवी अगर भगवान भी ढूंढे तो भी नहीं मिलेगी। आप बड़े तकदीर वाले हैं सर, आपका ये घर नहीं मंदिर है जिसमें लक्ष्मी जी जैसी देवी रहती है, और आप उस देवी जैसी औरत के पति हैं, इसलिए मैं आपके चरण छूकर आशीर्वाद देना चाहता हूं। अरे जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सर, चलता हूं मैं। नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे झिंझोड़ूंगा, भिंझोड़ूंगा, चादर की तरह ओढ़ूंगा, मगर नहीं छोड़ूंगा। राजा, आजा। राजा, तो ले, मैं आ गया उड़ के मोहब्बत के परों से।
राम कटोरी, मेरे दिल की कटोरी में तेरे मोहब्बत का पानी भर गया। अरे तू सोच, जब मैं भूखा मरता था तभी तुझको मैंने नौकरी पर रखा था। तू पूछ क्यों? तेरी शक्ल है ना रवि की मरी हुई मामी की तरह लगती है। मैं तुझे मार डालना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मतलब मैं तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ। अब ये ले, मेरी आंखों में तू काजल लगा दे, मैं तेरे मांग की गली में सिंदूर भरता हूँ। कैसी गंदी बात करने लगे हो, ऐसे तो तुम लुच्चे पहले कभी ना आए थे। जब से बड़े वकील हो गए हो, नाम हो गया है तो इज्जत गवाने लग गए हो। देखो तो हमें बकरी की तरह पाल रखा है। वो इसलिए केश के शेर को मोहब्बत की इस बकरी से प्यार हो गया। हम तुम्हें मोहब्बत की डोर से तो नहीं बांध कर रख सके, मर खटिया की इस रस्सी से जरूर बांध दिया है। अरे पर काहे, हम सोहे प्यार नहीं करत, किसी और को करत है भैया। हैं भैया, मोहब्बत के शीशे को नफरत का घुटना मार के फोड़ने वाले नागिन, बताओ उस आदमी का नाम। हम उसकी माँ को पूछेंगे कि तूने इस औलाद को क्यों जन्म दिया। हम वकील हैं, उसके सर में कानून की कील ठोकेंगे। अरे क्या चुप क्या बैठी है, बता, हमको गुस्सा मत दिला, वरना हमें जब गुस्सा आता है तो आसमान भी चीख उठता है। देखा, चीख उठा के नहीं, ये कुत्ते की तरह काहे को चीख रहा है। आसमान की तबीयत ठीक नहीं लगती है शायद। हाँ, मेरा नशा उतर रहा है ना, इसलिए गुस्से का स्टैंडर्ड आसमान से उतर के कुत्ते पे आ गया। मैं थोड़ी पी लूं। हाँ वकील साहब, गटका जाओ, एक सांस में हो जाए, हो जाए वकील साहब, हो जाए। राम कटोरी, राम कटोरी, तुम्हारी ये गाल मद्रास के सेब की तरह है। मद्रास में सेब नहीं उगते, इडली सांभर पैदा होता है, खाएगा? खमाश, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ जो चाहें वो उगा सकते हैं। रोकने वाला तू कौन, तेरा समाज कौन? राम कटोरी, तुम्हारी ये आंखें भटिंडा के अंगूर की तरह हैं। भटिंडा? तुम्हारे ये होंठ राजस्थान के आम की तरह हैं। तुम्हारा ये चेहरा हिमालय के तरबूज की तरह है। ये ऑल इंडिया रेडियो है, चुन्नी बेवड़े से समाचार सुनिए। अभी आप फ्रूट सलाद बनाने का सड़ा हुआ तरीका सुन रहे थे। सड़ा हुआ? और अब आप बुरे मौसम का हाल सुनिए। आज मौसम में बदमाशी की गर्मी है, आकाश पे कमीने पन के बादल छाए हुए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि जबरदस्ती इश्क करने वाले पर जूते बरसेंगे। समाचार समाप्त हुए कमीने देवे, नमस्कार। ये रेडियो तो बंद है, फिर ये स्टेशन कैसे पकड़ रहा है? क्यों नहीं बेवड़े, जब तुम बंद कमरे में एक लड़की को पकड़ सकते हो तो क्या रेडियो बंद होकर स्टेशन नहीं पकड़ सकता? दो कौड़ी का रेडियो, तेरी इतनी हिम्मत? एक कौड़ी के वकील, तेरी ये जुर्रत? मैं सारा तेरे को उठाकर गटर में फेंक दूंगा। अरे अभी थोड़ी देर में दे, तू अंदर से खुद गटर बनने वाला है। जा जा। अरे बाप रे, मेरे पेट में बम फूट रहे हैं। अरे बाहर जाकर फो, नहीं तो कमरा भर जाएगा। तू जाने नहीं, मैं भी आता हूँ। अरे राम का चोरी। अरे सुनो तो, वकील साहब का बहुत चढ़ गई क्या? पहले तो इज्जत करते रहे और अब पेट पकड़ कर भाग गए, कहाँ पिलाया ऐसा? अरे राम का चोरी, ये सब जमाल घोटे का कमाल है। जमाल घोटा? हाँ, डाल दिया तो मैंने विस्की में जमाल घोटा, अब रात भर पकड़ के घूमेगा अपना लोटा।